नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में, अक्षय तृतीया से जुड़े हुए रोचक तथ्य, अक्षय तृतीया का महत्व, पूजा और अक्षय तृतीया की कथा, इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्धि मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे भी किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्य, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन आप नए कपड़े खरीदना हो, कोई आभूषण खरीदना हो, ज्वेलरी खरीदना हो, या फिर किसी प्रकार की नई संस्था, समाज, सोसाइटी आदि किसी भी प्रकार की चीज का उद्घाटन करना या शुभारंभ करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवान के पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की अगर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा याचना करता है तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। इसलिए आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए अर्पित करते हुए उनसे सद्गुणों को मांगने की परंपरा भी होती है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्या इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। आइए अब अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई कुछ रोचक मान्यताओं या तथ्यों के बारे में बात करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन युगादि तिथियों में गणना होती है। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का भी समापन इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता, वो अक्षय होते हैं। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ। रसोई की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का पूजन करके माँ से घर में भरे भंडार को भरे रखने का वरदान मांगा जाता है। माँ की पूजा अर्चना करने के बाद रसोई में बनाए गए भोजन का स्वाद काफी बढ़ जाता है। महर्षि परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं। भगवान परशुराम सप्तऋषि में से एक ऋषि जब नग्नी तथा माता रेणुका के पुत्र थे। संपूर्ण भारत में परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा महत्व माना गया है। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता की पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी ने अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर दिया था और सन्यासी जीवन बिताने के लिए अन्यत्र चले गए थे। अपने साथ एक फरसा हमेशा वे रखते थे तथा उसका नाम इस प्रकार से परशुराम पड़ा। अन्य रोचक तथ्यों की बात करते हैं। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुन के उसकी रक्षा की और उसके साड़ी के वस्त्र को बढ़ाते ही गए। धरती की सबसे पावन मानी गई गंगा नदी भी इसी दिन स्वर्ग से धरती पे आई थी। भागीरथी माँ गंगा को भागीरथ धरती पे लाए थे, इसीलिए माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इसी दिन भक्तों को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान के श्री विग्रह स्वरूप में चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल
श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। जब लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करते हैं, इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन भी किए जाते हैं। धन के देवता श्री कुबेर जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही शिवपुरम नामक जगह पे शिव जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने के लिए कहा। तब कुबेर ने धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने के लिए उनसे वरदान मांगा। शंकर जी ने कुबेर को श्री लक्ष्मी जी की पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ के पहले एक्चुअली भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी का भी चित्र बना हुआ होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखना प्रारंभ किया था। इस दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें से कभी भी भोजन की समाप्ति नहीं होती थी। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन भूखे गरीब लाचारों को हमेशा ही भोजन देने की व्यवस्था करते रहते थे। इस मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग को सालों साल बढ़ाता रहता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ने धरती पर जन्म लिया, तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण जी से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण भगवान को देने के लिए सिर्फ चावल के दाने थे, वहीं सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय की जानने वाले भगवान कृष्ण ने यह बात को समझते हुए कि उनके मित्र के पास ज्यादा कुछ है नहीं, सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित करके उसे सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले दान का महत्व और बढ़ गया। उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन से ही यहाँ के किसान अपने खेतों को जोतना शुरू करते हैं। इसी दिन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से यह रथ यात्रा भी निकाली जाती है। पंजाब में इस दिन का अलग तरह से महत्व है। इस दिन को नए मौसम के आगाज का सूचक माना जाता है। इस अक्षय तृतीया के दिन जाट परिवार का पुरुष सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत की ओर चलना शुरू करते हैं और रास्ते में उसे जितने ज्यादा से ज्यादा जानवर और पशु पक्षियों के दर्शन होते जाते हैं, वैसे ही माना जाता है कि फसल उतनी ही ज्यादा अच्छी होती जाएगी। आइए अब अक्षय तृतीया की कथा का श्रवण करते हैं। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित है, उसमें से एक कथा के अनुसार धर्मदास नाम का एक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। उसने अक्षय तृतीया के व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में जब ये पर्व आया तो गंगा नदी पर जाकर के गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन उसने लड्डू पंखा जल से भरे घड़े जौ गेहूं नमक सत्तू दही चावल गुड़ सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। उसके परिवार एवं स्त्री के सदस्यों के बार बार मना करने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत ही प्रतापी बना। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ और वह महान वैभवशाली होने के बावजूद धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। आइए अब इसकी पूजन की विधि को जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है।
तत्पश्चात फल फूल बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ भूमि स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि बसंत ऋतु के अंत में और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी है, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे हुए घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, साग, इमली, चीनी, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना जाता है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग में या अगले जन्म में प्राप्त होंगी। इसी दिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करना चाहिए।